गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट ईवीएस बुक लेसन क्लास सेकंड, लेसन नंबर 10, आवर फेस्टिवल्स, हमारे त्यौहार। इंडिया इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया त्यौहारों का की जगह है, धरती है। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स एवरी ईयर विद जॉय एंड हैप्पीनेस। हम यहाँ हर साल बहुत से त्यौहार खुशियों से और उत्साह से मनाते हैं। वी हैव ग्रेट फन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स के दौरान बहुत मज़ा करते हैं सब। अ फेस्टिवल इज़ अ डे सेलिब्रेटेड विद न्यू क्लॉथ, स्पेशल फूड एंड लॉट्स ऑफ फन विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। फेस्टिवल के दिन का दिन होता है, न्यू क्लॉथ्स, स्पेशल फूड और बहुत सा मज़ा, बहुत से हम फन करते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जब हम त्यौहार मनाते हैं। मोस्ट ऑफ आवर फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू द डिफरेंट रिलीजियंस। बहुत से त्यौहार रिलेटेड होते हैं डिफरेंट रिलीजियंस, अलग अलग धर्मों के साथ। फेस्टिवल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स की हैं फेस्टिवल्स, नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। फर्स्ट हम करेंगे नेशनल फेस्टिवल्स। ऑल इंडियंस सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स। सभी इंडियंस नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। वी हैव थ्री नेशनल फेस्टिवल्स, हमारे तीन राष्ट्रीय त्यौहार हैं। नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में मनाए जाते हैं ये नेशनल फेस्टिवल्स। फर्स्ट है आपका इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 15th अगस्त। स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त के दिन मनाया जाता है। आफ्टर ए लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल, बहुत लंबी आज़ादी के संघर्ष के बाद इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15th अगस्त 1947। बहुत लंबे संघर्ष के बाद भारत को ब्रिटिश से आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। बहुत बड़ा फंक्शन होता है दिल्ली में लाल किले पर। आवर प्राइम मिनिस्टर होस्ट द नेशनल फ्लैग एंड डिलीवर्स स्पीच टू द नेशन। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय झंडे को फहराते हैं और देश के नाम संदेश देते हैं। वी रिमेंबर अवर फ्रीडम फाइटर्स ऑन दिस डे। हम याद करते हैं अपने फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत कुछ अपना कुर्बान कर दिया, उन्हें हम याद करते हैं उस दिन। नेक्स्ट है आपका सेकेंड रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। हमारा देश गणतंत्र रिपब्लिक हुआ कब, 26 जनवरी 1950 को। द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट राजपथ इन न्यू दिल्ली। इसमें राजपथ पर फंक्शन होता है न्यू दिल्ली में। ए ग्रैंड एंड कलरफुल परेड इज हेल्ड by our armed forces on this day in the country's capital New Delhi। एक भव्य और कलरफुल परेड बहुत हमारे आर्म्ड फोर्सेज जो होती हैं उनके द्वारा की जाती है देश की राजधानी न्यू दिल्ली में। द परेड इज टेकन आउट फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। जो परेड है वो राष्ट्रपति भवन से लेकर रेड फोर्ट तक होती है न्यू दिल्ली में। द प्रेजिडेंट ऑफ द कंट्री टेक्स द सल्यूट ऑफ द परेड। जो प्रेजिडेंट है हमारे देश के वो उस परेड को सल्यूट लेते हैं। नेक्स्ट है गांधी जयंती, जो हमारा थर्ड नेशनल फेस्टिवल है वो है गांधी जयंती। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2nd अक्टूबर। गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इट इज़ द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी का जन्म दिवस होता है। द फादर ऑफ आवर नेशन, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं।
द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री विजिट द समाधि ऑफ गांधी जी एट राजघाट इन न्यू दिल्ली. जो हमारे देश के नेता हैं वो इस दिन गांधी जी की समाधि जो राजघाट है न्यू दिल्ली में वहाँ पर जाते हैं, विजिट करते हैं. अब हम करेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स. जो धार्मिक त्यौहार हैं हमारे, पीपल फॉलो डिफरेंट रिलीजियस ऑल ओवर द कंट्री. लोग पूरे देश में रिलीजियस फेस्टिवल जो है उनको मनाते हैं. द फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल. इन त्यौहारों को हम धार्मिक त्यौहार कहते हैं. फर्स्ट है हमारा दिवाली. दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट. दिवाली को प्रकाश उत्सव कहते हैं, प्रकाश का त्यौहार कहते हैं. इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज़. ये हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड एज मार्क ऑफ द लॉर्ड रामाज रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल. ये भगवान श्री रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटने की खुशी में मनाया जाता है. पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा एट नाइट. सभी लोग देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की रात को पूजा करते हैं. ऑन दिस डे पीपल डेकोरेट देयर हाउसेस विद कैंडल्स एंड दियास एंड लिट क्रैकर्स. लोग अपने घरों को सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं कैंडल्स और दियास के साथ और पटाखे चलाते हैं. दे वियर न्यू क्लॉथ्स. वो नए नए कपड़े पहनते हैं एंड एक्सचेंज स्वीट्स. और स्वीट्स देते हैं एक दूसरे को एंड गिफ्ट्स विद रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. और गिफ्ट्स देते हैं अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को. नेक्स्ट है हमारा दशहरा. दशहरा मार्क्स अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड रावणा एंड सेव्स हिज वाइफ सीता फ्रॉम हिम. इस दिन भगवान श्री राम ने रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता की रक्षा की थी. वी बर्न दाय फीजीज मॉडल्स ऑफ रावणा मेघनाथ एंड कुंभकर्ण ऑन दशहरा. हम लोग क्या करते हैं इस दिन क्या किया जाता है, रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जाते हैं और उनको जलाया जाता है. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर एवरी ईयर. क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है. लॉर्ड जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन दिस डे. इस दिन लॉर्ड जीसस भगवान का जन्मदिन होता है. पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज एंड अरेंज पार्टी टुगेदर. लोग अपने घर को डेकोरेट करते हैं और पार्टी मनाते हैं. स्पेशल क्रिसमस केक्स आर बेक. क्रिसमस केक बनाए जाते हैं. पीपल सिंग कैरल्स गाते हैं. दे ऑल्सो डेकोरेट द क्रिसमस ट्री. वो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं. चिल्ड्रन वेट फॉर सेंटा क्लॉज टू गिव देम गिफ्ट्स. बच्चे वेट करते हैं, सेंटा क्लॉज उनको गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट्स की वेट करते हैं बच्चे. गुरुपूर्व इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द सिक्स. गुरुपूर्व सिखों का बहुत धार्मिक त्यौहार है. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ 10 सिख गुरुज. ये 10 सिख गुरुओं के जन्म दिवस में मनाया जाता है. ह्यूज प्रोसेशंस आर टेकन आउट. बहुत बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं, भव्य आयोजन होता है. पीपल विजिट गुरुद्वारा टू प्रे एंड रिसाइट गुरबानी. लोग गुरुद्वारा जाते हैं और गुरबानी का पाठ करते हैं. दे ईट फूड फ्रॉम ए कॉमन किचन कार लंगर. और लंगर में खाना खाते हैं. ईद इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स. ईद मुस्लिमों का त्यौहार है. इट कम्स आफ्टर द 30 डेज फास्टिंग ऑफ रमज़ान. यह 30 डेज ये रमज़ान के महीने में 30 डेज के फास्टिंग के बाद आता है. ऑन दिस डे पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड ऑफर नमाज इन लद्दाख. इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और नमाज पढ़ते हैं. दे ग्रीट ईच अदर एंड ईट सेमिया ऑफ शी और शीर.
इस दिन वो दे ग्रीट एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और सेवियाँ बनाते हैं और शीर बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट इज़ द टाइम व्हेन क्रॉप्स राइपन। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स वो होते हैं जब हमारी फसलें पककर तैयार हो जाती हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बिकॉज फार्मर सेल देयर क्रॉप्स एंड गेट मनी। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि इस दिन फार्मर्स जो हैं अपनी क्रॉप्स को सेल कर देते हैं, बेच देते हैं और मनी प्राप्त करते हैं, पैसा मिलता है उनको। होली, होली इज़ द फेस्टिवल्स ऑफ कलर। होली कलर रंगों का त्यौहार है। इट मार्क्स द एंड ऑफ द स्प्रिंग सीजन। ये स्प्रिंग सीजन के एंड पे आता है, मनाया जाता है। होली सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। ये बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। अ स्पेशल डिश कॉल्ड गुजिया इज प्रिपेयर्ड ऑन दिस। इस दिन में एक स्पेशल डिश बनाई जाती है, दैट इज गुजिया। ओनम, ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम केरला का एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स, लोग नए कपड़े पहनते हैं। दे डेकोरेट देयर हाउसेज, अपने घर को डेकोरेट करते हैं। ट्रेडिशनल डांसेज एंड बोट रेसिज आर परफॉर्म्ड ऑन दिस ओकेजन। इस ओकेजन पर पारंपरिक डांस और बोट रेस का आयोजन होता है। पोंगल, पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी एवरी ईयर। हर साल जनवरी में ये मनाया जाता है। पीपल मेक पोंगल राइस ऑन दिस डे। लोग इस दिन पोंगल राइस बनाते हैं। एंड थैंक गॉड फॉर द गुड हार्वेस्ट, और अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग ऑफ अवर चैप्टर नंबर 10 फेस्टिवल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। रीड इट एट होम। थैंक यू।